दोस्तों इंटरनेट पर एक लड़का इस समय बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। आखिर वो लड़का कौन है, आप सभी को मैं बताऊंगा। ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और इसने इतना बड़ा फैसला लिया है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको बताऊंगा कि दोस्तों जो इंटरनेट पर लड़का वायरल हो रहा है, सबसे पहले उसका नाम बता देता हूं। इसका नाम सियाब चित्तूर है और ये केरला के रहने वाले हैं। केरला का एक छोटा सा ही डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं आप, मल्लापुरम नाम का डिस्ट्रिक्ट है और वहां से ये आते हैं और वहां के रहने वाले हैं। और इन्होंने फैसला किया है कि ये 2023 का हज मक्का में जाकर मनाएंगे, यानी कि जो हज है वो 2023 का ये करेंगे। और इन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला ये किया है कि ये सब करेंगे ये पैदल। तो आप सभी को बता दें, इतना बड़ा फैसला इन्होंने आखिर किया क्यों है कि वह पैदल चलकर सऊदी अरब तक वहां मक्का में जाएंगे। इसके पीछे की वजह बस दोस्तों यही है कि ये सऊदी अरब में पहले काम करते थे और अपने बुजुर्गों से प्रेरित होकर इन्होंने फैसला लिया कि पहले के बुजुर्ग अगर मक्का में जाकर पैदल हज कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो आज सोशल मीडिया पर इनकी वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद की जा रही है और इस व्यक्ति ने जो फैसला लिया है इसको बहुत ज्यादा सराहा भी जा रहा है लोगों के द्वारा। और जहां भी ये व्यक्ति पहुंच रहा है वहां पर इसको मदद दी जा रही है सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा। इनकी उम्र जो है दोस्तों वो 29 साल है और केरला के ये रहने वाले हैं, आपको मैंने पहले ही बताया। तो ऐसे में दोस्तों इन्होंने जो पैदल करने का साहस दिखाया है, ऐसे में दोस्तों इन्होंने पैदल हज करने का जो साहस दिखाया है वो तारीफ के लायक है। लगभग इनको 265 दिन का टाइम लगने वाला है वहां तक पैदल जाने में। बीच में इनको काफी मुश्किलें भी आने वाली हैं। बाकी आपका क्या कहना है इनकी पैदल यात्रा को लेकर, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।